हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ITCS स्टडीज में स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग मैकेनिकल ग्रुप NCVT या SCVT। दोस्तों मेरे साथ बने रहे, आज हम दोस्तों बताएंगे कि ऑक्टागोनल किस तरह ड्रॉ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले अपना ड्राइंग शीट निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अपने ड्राइंग शीट निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक बेस लाइन खींचना है ड्राइंग शीट पे। एक बेस लाइन खींचना है, ठीक है, एक बेस लाइन इस तरह से खींच लेना है, ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आप देखिए हम अपना मन से बना रहे हैं इसमें, और जो जब एग्ज़ाम होगा दोस्तों तो उसमें इसका मन अलग रहेगा, और हम अपना मन से बता रहे हैं कि आप समझ जाए इसी तरह से। तो हम 40 cm ले लेते हैं। ठीक है, 40 cm हम ले लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये सेट स्क्वायर है ना, इसको बेस लाइन पर रख देना। ठीक है, इसको जब हम बेस लाइन पर इसको फिक्स कर देना है कुछ देर के लिए, इसको जो है फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर से 40 ले लिए हैं, फिर इधर ले भी लेना पड़ेगा 40। ऑक्टागोनल में सब समान होता है ना, तो समान होगा तो दोस्तों यहाँ से भी हम 40 ले लेते हैं। 40, और फिर इसको इस तरह से चालीस, ठीक है, ले लिए 40। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 40 मिला है कि नहीं। आप ही को आपको भी इसी तरह से करना है। उसके बाद फिर इसको ये सिटी स्क्वायर को बेस लाइन पर रख देना। ठीक है, बेस लाइन पर इसको रख के के बाद फिर इस पॉइंट से भी 40 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर से भी जब ये बिंदु होगा तो उस पर भी लेना पड़ेगा 40। बेस लाइन एकदम फिक्स होना चाहिए दोस्तों। देख लिया ना कैसे लिए हैं, आपको भी इस तरह से लेना है। चलिए अब 40 इधर पॉइंट कर दिए हैं, उसके बाद इधर पॉइंट कर दिए हैं। फिर बीस लाइन पर लेना है इसको, और इसी टी स्क्वायर को इस तरह से पकड़ के देखिए ऐसे लगाना है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं, आपको भी इसी तरह से यूज करना है, सेम दम इसी तरह से यूज करना है। ठीक है, देखिए 40 ले लिए इधर से, और फिर हम इधर से भी ना लेंगे, इधर से भी हम इधर से लेंगे दम। आप हम देख लेते हैं कि मेरा 40 है कि नहीं। देखिए 40 मेरा इधर हो गया, और 40 फिर इधर से भी ना लेना पड़ेगा। चलिए देखिए 40 हो गया ना। अब इस दोनों को क्या करना है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। देखिए इस दोनों से मिला दिए, मेरा हो गया ना 40, ये मेरा बन गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ऑक्टागोन अलग अलग बन गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे लेना है 20 पे, 40 लिए थे तो 20 लेके इसको इस तरह से ले लेना है। फिर यहाँ पर से ले लेना है सेम इसी तरह। इस तरह से ले लेना है, उसके बाद क्या करना दोस्तों, इसका आधा लेके उसके बाद इसको क्या करना, काट देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उनको यहाँ पे रखना। ठीक है, देखिए
और इसके बाद यहाँ से काट लेना, देखिए यहाँ से इधर काट दिए, फिर उसके बाद इधर से भी काटना पड़ेगा, ऐसे करके आपको भी काट देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसको काट देना है, काट दिया ना, आपको भी सेम इस तरह से करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इधर, और फिर एक यहाँ से देखिए सी, आपको फिर यहाँ से सी करके इस डी, ये डी बिंदु हम कर दिए, इसका नेमिंग भी कर दिए हैं, आपको भी इस तरह कर लेना है नेमिंग करके। और जो है ना इस देखिए ए और बी के बीच आधा आधा लेंगे तो 20 हो गया। 20 से क्या करना है, इसको 20 जब लेंगे तो 20 देखिए यहाँ आ गया मेरा, तो 20 इधर काट देते हैं, एक मिनट यहाँ पर नहीं कटेगा। देखिए हम ए जो है बीच में, ए और बी के बीच केंद्र है ना, इस पे लेके एकदम केंद्र से इधर काट लेना है, और फिर सी, सी ए केंद्र से फिर इधर काट लेना है। उसी तरह हमको डी से भी काटना पड़ेगा, देखिए इधर काट लेंगे और फिर इससे, हाँ ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये बिंदु और ए, इस दोनों को हम मिला देंगे, देखिए एकदम बीच, आपको भी इस तरह से मिला देना है। ये फुल लाइन नहीं होगा दोस्तों, ये डॉटेड लाइन होगा, सॉरी हमने फुल लाइन खींच दिया है, ये डॉटेड लाइन होगा, डॉटेड लाइन होगा, सॉरी ये फुल लाइन नहीं होगा, ये डॉटेड लाइन होगा, मिस्टेक से खींचा है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। हो गया ना, अब इसका हम नेमिंग कर देंगे, ठीक है। देखिए हेक्सागोनल मेरा बन गया, और इसका हम नेमिंग कर देते हैं, ए डी हो गया दोस्तों। आपको क्या करना है, यहाँ एच जे एफ ई आई जी, और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो दूरी लिए थे हमने, इसका ऑक्टागोनल में तो सब सेम ना होता है, जितना देखिए 40 ए भी होगा, 40 ए होगा, ये सब 40 होगा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं कि कितना लिए हैं। आपको भी सेम इसी तरह से कर लेना है, यहाँ से लेके डायमेंशन कर देना, ठीक है, यहाँ से लेके डायमेंशन ऊपर हम कर दिया है, आपको भी सेम सेम इसी तरह से कर लेना है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो।